Hello friends, welcome back to Educare Science Solutions. My name is Shashwat and this is the fourth lecture on atomic structure. Well, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की और उसके साथ साथ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के डिफरेंस एंड ऑर्बिटल्स का शेप्स के बारे में बात करेंगे. ठीक, तो पहला टॉपिक है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स. क्लियर? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? मान लो जैसे कि ये है हमारा पी सबशेल. क्लियर? पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं. हाफ फिल्ड कैसे होगा? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का होता है. ठीक, ये हो गया हाफ फिल्ड. हाफ फिल्ड. क्लियर? फुल फिल्ड कैसा होगा? फुल फिल्ड ऐसा होगा, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सब में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो हम फिल कर देंगे. ठीक, वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए. ये भी पी सबशेल है, पी सबशेल. क्लियर? इसे बोलेंगे हम लोग फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स. क्लियर? हाफ फिल्ड क्या? जब हर एक ऑर्बिटल में सबशेल के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक, दैट इज हाफ फिल्ड. और जब सब में दो दो प्रेजेंट होंगे दैट इज फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स. क्लियरली? मान लो आपका पास एक और है, यह पी ही सबशेल है. ठीक, यहां पे इसमें एक दो एक और एक, ये कैसा होगा? ये इनकम्प्लीट फील्ड होगा. क्यों? ना ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, क्योंकि इसमें ना सब में एक एक है क्योंकि इसमें तो दो है, और ना सब में दो है क्योंकि इसमें नहीं है. ठीक, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल. ठीक, ऑर्बिटल्स ये तो हो गया. अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो स्टेबिलिटी जो है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल. इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. क्यों इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इन दोनों की ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जब यहाँ पे हाफ फिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक एक ही प्रेजेंट है और इसमें दो दो और इनमें डिफरेंस है, जब यहाँ पे इस तरह से हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है तो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी होती है मतलब ओवरऑल सब्सटेंस की जो एनर्जी होती है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जहां पे एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी अपने आप ही ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा इनकम्प्लीट फील्ड में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा. जब यहाँ पे सिमेट्रिकल पोजीशन दिख रही है ना कि हाँ एक जैसा दिख रहा है एक जैसा, तो एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की कम हो जाएगी तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. यहाँ पे क्या होगा सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ पे एनर्जी जो है इन कंपेरिजन टू दिस थोड़ी ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा स्टेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी. क्लियर? तो ये होता है, ये तो छोटा कॉन्सेप्ट था हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी का. और वो होते क्या हैं? वो ये होते हैं. क्लियर? अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ कर लेते हैं. जैसे आपने पिछले वाली वीडियो में बताया था, जैसे कैल्शियम का ले लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करना है. ठीक, और ये कैसे होगा, किस मेथड से होता है? दैट इज ऑफ बाउस प्रिंसिपल से. ऑफ बाउस प्रिंसिपल क्या बताता है कि हमारे सबशेल्स में किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा
और दूसरा किससे, हर सेलुलर मैक्सिमम मल्टीपल से। जब दोनों प्रिंसिपल्स को कंबाइन करेंगे तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कर पाएंगे। ठीक, इसमें कितने होते हैं, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, क्लियर, मतलब 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम 20 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखो, कि इसमें शेल्स कितने होंगे, सबशेल्स कितने होंगे वो देखना है। ठीक, तो कैसे करना है, ऑफ प्रिंसिपल बनाया था जैसे मैंने, कैसे था, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, क्लियर। फिर था 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर था 3d 4d 5d 6d, फिर यहां पे था 4f 5f 6f, या 6f भी होता नहीं जाता मैं, ठीक इस तरह था। तो यहां पे इस तरह से बनाया था, याद है, तो अगर नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियो देखो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ऊपर आई आइकन में आ रहा होगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो इस तरह से ये होता है। तो क्या बताया था, जैसे एक बात और ओवरऑल भी बताया था, ये अबाउट डायग्राम है, ठीक, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी का बताया गया है, एनर्जी लेवल्स हर एक सबसे में कितने होंगे, तो 1s में कम होगा, उससे ज्यादा 2s में होगा, 2s के बाद उससे ज्यादा 2p 3s देन 3p 4s देन 3d 4p 5s, n प्लस l रूल भी बताया था। ठीक, अबाउट प्रिंसिपल में पिछले वाली वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि एनर्जी जिसमें कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ज्यादा पहले होगी उसमें, तो 1s में पहले होगी, एनर्जी सबसे कम है। ठीक, तो 1s, 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, s में दो होते हैं, तो 1s 2 कर लेंगे, 1s 2, उसके बाद क्या है, 2s 2s, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया p 2p 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, सब में दो दो, मैक्सिमम हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो होंगे, और इसमें p में तीन होते, तो मतलब ओवरऑल 6 हो गया। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p 2p के बाद 3s 2 के बाद 3p, कितना 6, कितने हो गए, 2 4 10 18, 3p के बाद 4s 2, क्लियर। तो ये तो हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सिंपल है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, बेसिक लेवल पे आपको दो एक्सेप्शंस याद रखनी है, पहला क्रोमियम और दूसरा कॉपर। क्रोमियम क्या होता है, 24 होता है एटॉमिक नंबर, कॉपर का 29, क्लियर। तो क्रोमियम का करके देखते हैं, क्रोमियम का करते हैं, आएगा क्या, मतलब एक्चुअल में क्या होता है और इस तरीके से निकालेंगे तो क्या आएगा, वो दोनों निकाल के देखते हैं। ठीक, जो हमें इस तरीके से आना चाहिए वो निकालते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d, 20 तक तो यहां हो गया, चार बाकी हैं, तो 3d4 होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्या होगा अभी बताएंगे, ये जो होता है इस तरह से नहीं होगा, एक्चुअल में अलग से होता है, जो एक्चुअल होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d, कितना होगा 5। ये ऐसा क्यों हुआ, ये सही है तरीका, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब आप पूछोगे, अभी तो आपने बताया था ऐसा होता है, देखिए आपने निकाला था कैल्शियम का, ऐसा नहीं होता। अभी आपने पढ़ा था हाफ फिल एंड फुल फिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम लोग इसका अभी जो सही वाला है उसका निकालें, तो इस तरह डायग्राम के बेसिस पे 1s हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। देन आ गया, ये हो गया 2s, 2s
टू एस में दो इलेक्ट्रॉन है, देन टू पी, पी में तीन होते हैं, ये हो गया टू पी, इसमें छह इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, टू पी हो गया, देन थ्री एस हो गया, थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन, देन थ्री पी हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन, थ्री पी, देन फोर एस हो गया, एक आ गया, ठीक, और फिर आया थ्री डी, दो तीन चार पांच होते हैं ना, एक दो तीन चार पांच, ये हो गया फाइव डी, सॉरी ये हो गया थ्री डी, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ पे कैसा है, कैसा दिख रहा है, ये पूरा सबशेल जो है थ्री डी सबशेल, ये कैसा दिख रहा है, हाफ फील्ड है, फोर एस हाफ फील्ड है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, अगर इस वाले का, ऊपर वाले का देखें, यहां वाले का तो ये टिक वाला आया है, ठीक, ये टिक वाला है, अगर रॉन्ग वाले का देखें तो इस बाकी सब, तो ये सब सेम होगा, कहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे फोर एस में, वहां पे दो आ जाएगा फोर एस में, और फिर थ्री डी में दिक्कत आएगी, क्या आएगी, एक खाली रह जाएगा, एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल खाली रह गया, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रोमियम में ऐसा होता है, और दूसरा क्या एक्सेप्शन है, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ठीक, केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कॉपर का, देख लो, कॉपर होता है 29, 29 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ पे क्या आएगा 3d, क्या आना चाहिए, 29 है ना, तो 3d9 आएगा, पर ऐसा नहीं होता, वहां पे डबल डबल हो जाएगा, s से निकलेगा, क्लियर, s में सिंगल आएगा उसमें डबल हो जाएगा, ये चीज होती है वहां पे, तो चलो वो भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना, और उसका भी तरीका ऐसे निकालोगे, निकाल लो, चेक करो, अगर भाई एक गायब हो रहा है तो एस वाले से ले लो, मतलब पहले वाले से ले लो, ताकि दोनों ही हाफ फिल्ड हो जाएं, तो ये कंडीशन होती है, क्लियर। इसके बाद हम लोग ऑर्बिटल्स के शेप की बात कर लेते हैं, तो ऑर्बिटल्स के शेप की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है, हाँ एस ऑर्बिटल कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उसका ओरिएंटेशन नहीं होता, क्लियर, तो बात करते हैं ऑर्बिटल्स के शेप की, सबसे पहले एस ऑर्बिटल मान लो, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, मान लो ये हमारी एक्सिस हो गई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सब एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल, ठीक, तो यहाँ पे जो होगा इसका शेप ये होगा, एस ऑर्बिटल है, इसका ओरिएंटेशन किसी भी तरीके तरफ हो सकता है, एस ऑर्बिटल, क्लियर। अब मान लो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये शेल नहीं है, ये हम क्या बना रहे हैं, सब शेल, 1s 2s इस तरह से, ठीक, तो यहां पे ये जो हो गया, ये हो गया इसका ऑर्बिटल, और यहां पे ये जो खाली जगह हो गई, ये क्या हो गई, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन सरफेस, क्लियर, ये क्या होती है, ये वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नन होती है, मतलब जीरो होती है, जीरो होती है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं नोडल प्लेन या नोडल सरफेस, क्लियर, ये हो गया एस ऑर्बिटल का शेप, सर्कुलर होता है, इसका ओरिएंटेशन किसी भी तरीके तरफ हो सकता है, किसी भी एक्सिस पे बराबर। इसके बाद बात करते हैं पी सबशेल के ऑर्बिटल्स की, पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, कैसे, मान लो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई और ये हो गई जेड,
ऐसे इसमें भी ये हो गई वाई, ये हो गई जेड, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड, क्लियर। पी एक्स कैसा होगा? पी एक्स ऐसा होगा, क्लियर। एक्स की तरफ ओरिएंटेशन है। पी वाई कैसा होगा? ये हो गया पी वाई, और पी जेड ये हो गया पी जेड। तो ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल, क्लियर। तो इसका कंबाइन बनाएंगे, अगर पी स्ट्रक्चर बना रहे हैं या अगर तीनों एक साथ दिखाने हैं तो इस तरह दिखाओगे, एक दो एंड तीन, इस तरह से आएगा कंबाइन, कंबाइन दिखा रहे हो तीनों का, ठीक। तो पी स्ट्रक्चर तीन ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। अभी हम लोग ऐसे बनाते हैं ना कि ये पी स्ट्रक्चर है, तो एक दो तीन, तो एक दो तीन यही होते हैं। ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे, क्लियर। ये तो हो गया पी का। डी का बनाते हैं, डी का बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद एफ का दिया नहीं जाता है। एफ में सात ऑर्बिटल होता है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया जाता है, ठीक। तो अब बात करते हैं डी की, डी सबसे के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? पांच होते हैं। पांच कौन कौन से होते हैं? पांच होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक। एक एक का शेप बनाते हैं। ये हो गया x हो गया, ये हो गया y, क्लियर। तो ये x y, ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड बनाते हैं। ये हो गया y, ये हो गया z, ये y, ये हो गया z, ठीक। ये हो गया डी वाई जेड। अब बनाते हैं डी एक्स जेड, ये हो गया x, ये हो गया z, होते सब 90 एंगल है ना। तो ये उसका, ये हो गया, ये हो गया डी एक्स जेड। अब बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। तो इसका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब बनाते हैं डी जेड स्क्वायर का, तो हो गया जेड एक्स वाई, इस तरह कर लो, ठीक। इसका इस तरह से होता है, ये हो गया डी जेड स्क्वायर का शेप, ठीक। तो ये पांच तरीके के हो गए डी सबशेल के शेप, क्लियर। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है शेप, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्बिट में क्या होता है? ऑर्बिट होता क्या है? इसको मिटाते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट को जिसे शेल्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एम, ठीक। तो ये हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट वो सर्कुलर प्लेस होती है, एरिया होता है जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, ठीक। तो ये वो जगह होती है ऑर्बिट, या जिसे शेल बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? वन टू थ्री, फर्स्ट के एल एम, इस तरह से, ठीक। तो ये ऑर्बिट हो गई, ये वो रीजन होता है जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, क्लियर। ये तो हो गई ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल रीजन होता है, थ्री डायमेंशनल रीजन होता है इन ऑर्बिट, जहां पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, और जहां जीरो होती है वो नोडल पे है। तो
यहाँ जहां पे मैक्सिमम होती है इसे बोलते हैं ऑर्बिटल, क्लियर। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? दो। कैसे? एस में तो होता है, पी में कैसे देखा था, तीन होते हैं तो छह होते हैं, तो एक दो दो एक दो, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दो हो सकते हैं। इसमें ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? क्या पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में? पढ़ा था 2n2। ठीक, एन वन है तो पहले के में कितने होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। एल में कितने? आठ। उसके बाद एम में कितने होंगे? यहाँ पे थ्री हो जाएगा, तो 18। इस तरह से बढ़ता है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इतने होंगे ऑर्बिट में। ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? ये सर्कुलर पाथ होता है ना, एक सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, क्लियर। तो इसका जो शेप होता है ये सर्कुलर पाथ होता है, तो सर्कुलर शेप हो गया इसका। ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अभी आपने पढ़ा था। ये देखिए इस तरह के डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें तो डिफरेंट शेप होता है। तो यहाँ पे डंबल शेप्ड हो गए, और भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो मैनी शेप, डिफरेंट डिफरेंट, क्लियर। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स में और भी डिफरेंस होते हैं, तो आप और सब जनरल होते हैं। अभी आपको अगर पूरे चीज पता लगी, वैसे इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यू होने वाला है, उसमें इस तरह से पॉइंट वाइज तो नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज होगी तो वो क्वेश्चन उससे बन सकते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर बीएससी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर पेपर वन कंप्लीट हो गया है, एंड इसके क्वेश्चंस पे एक वीडियो बनाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट आई थी इसलिए, कमेंट्स में आया था, तो इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस किस तरह किए जाते हैं, किस तरह क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।